मेरी मशीन मध्य प्रदेश में रतलाम में जा रही है मेरी मशीन। ये आप देख सकते हैं मशीन ने कितनी सावधानी से कट लगाया है, इस पे अच्छी तरीके से काम करा है। ये देख सकते हैं आप जीरो साइज का वायर, आप देख सकते हैं 0.75 का था ये आप देख सकते हैं 4 mm का वायर। WSB 11 आप mm से लेकर 40 mm तक काम करता है, बट हमने कस्टमाइज कराया है अपने भाई के लिए जीरो से 40 mm हमारा ये मॉडल काम करेगा। ये शाद खान है, ये रतलाम से है, MP से उनका ये मशीन है, रेडी हो चुका है। ट्रायल दिखाऊंगा इस पे कर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, इसका पैकिंग भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से मैं पैक करूंगा। ये मेरा नया मॉडल है WSB 11। पहले मेरा जो मॉडल होता था टेबल टॉप उसका छोटा होता था, इसका टेबल टॉप हमने बढ़ा दिया है, पैनल इसका हमने दूसरे तरीके का बनाया है। आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा मशीन हमने थोड़ी मॉडिफाई कर दी है। तो अब ट्राई करते हैं इसका मशीन का जीरो साइज का वायर। ये देख सकते हैं आप जीरो साइज का वायर। जीरो साइज किसको बोलते हैं लोग, बात कहते हैं जीरो साइज का वायर कौन सा होता है। जीरो साइज का जो वायर होता है, जैसे कि मोबाइल की हेडफोन हो गई, जो कान की एयरफोन होगी वो है, और मोबाइल के चार्जर वगैरह की वो वायर जीरो साइज में आती है। मोटरसाइकिल, कार, स्कूटी और इस तरीके की जो गाड़ियों की जो वायरिंग होती है जिसको ऑटो वायरिंग बोलते हैं, वो भी हमारी जीरो साइज में आती है। अब ये जीरो साइज का आपको मैंने एक वायर निकाल कर दिखाया था, ये बिल्कुल निकल चुका है। अब उसके बाद दिखाता हूँ आपको, ये 4 mm का वायर है, आप देख सकते हैं ये 4 mm का वायर है। इसको भी निकाल कर दिखाता हूँ मैं किस तरीके से हमारी मशीन काम करेगी। ये आप देख सकते हैं 4 mm का वायर, अगर इस तरीके से माल कट जाता है, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप सही नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, अगर इस तरीके से माल कट जाता है तो उसके लिए मैं क्या करना होगा। अब ये वाला वायर मैं दोबारा निकाल कर दिखाऊंगा आपको, ये कट गया है माल हल्का सा, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ से टॉर्क हल्की सी खोल देनी होगी, ये चूड़ियां इसकी बराबर लूज कर देनी होगी। अब ये चूड़ियां हमने लूज कर दी है तो माल अब कटेगा नहीं। ये फिर 4 mm का वायर फिर निकाल कर दिखा, देखिए बिल्कुल एकदम सफलतापूर्वक बिल्कुल साफ सुथरा वायर निकल चुका है हमारा, कॉपर निकल चुका है। अब एक वायर और है मेरे पास, ये 3-core का वायर है, इसको भी निकाल कर दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम करेगा। आप देख सकते हैं ये 3-core का जो वायर मैंने अभी दिखाया था आपको, ये देख सकते हैं आप कॉपर और PVC दोनों अलग हो चुके हैं, इसके अंदर से 3 लेयर निकली है हमारी। ये लगभग 1 mm का, सॉरी 0.75 का माल निकला है, वायर निकले हैं। इनको भी निकाल कर दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये निकलेगा। ये हमारा एक और है, ये 4-core का वायर है, इसको भी निकाल कर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मशीन ने कितनी सावधानी से कट लगाया है, इस पे अच्छी तरीके से काम करा है, और ये चारों लेयर हमारी अलग हो चुकी है। अब नंबर आता है इन वायरों को निकालने का, इसके लिए क्या करना होगा, हमें टॉर्क फिर से दे देनी है। ये निकाल कर दिखाता हूँ, 1 mm वाले उस पर ग्रुप पे निकलेगा ये। आप देख सकते हैं 0.75 का था ये भी निकल चुका है। एक 1 mm का वायर है, इसको भी निकाल कर दिखाऊंगा आपको किस तरीके से निकलेगा। ये भी आप देख सकते हैं कॉपर PVC दोनों अलग हो चुके हैं। ये मैं फिर से बता देता हूँ, मेरी मशीन ये MP में मध्य प्रदेश में रतलाम में जा रही है मेरी मशीन, ये रतलाम में जाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। मध्य प्रदेश वाले भाइयों से एक स्पेशल कहना चाहता हूँ मैं, अगर मशीन की रतलाम में जरूरत है किसी को तो मेरे से संपर्क कर सकता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक वायर हो रहा है, इसे भी निकाल कर दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये भी अलग हो चुका है। कैश ऑन डिलीवरी मेरी मशीनें ऑल इंडिया अवेलेबल है, किसी भी भाई को मशीन चाहिए कैश ऑन डिलीवरी मेरी मशीनें भाई को मिलेंगी। और ऑन ऑर्डर अगर कोई कस्टमाइज मशीन कराना चाहता है अपने हिसाब से, किसी भी तरीके की वायर के हिसाब से कस्टमाइज ऑन ऑर्डर मशीन बनवाना चाहता है, तो मैं भी उसकी सेवा भी मेरे यहाँ पर उपलब्ध है।
उसको भी मैं कैश ऑन डिलीवरी ही मशीन को आपको तैयार करके ही दूंगा। अब इस मशीन का नंबर आता है, पैकिंग का, और इसके साथ क्या क्या देने वाला हूँ वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सात खान जी हैं, एमपी से हैं, रतलाम से, उनका ये बिल है, ये बिल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये दो एलन की होता है साथ में, ये दो रिंच होता है साथ में, एक वायर कटर होता है साथ में, एक ये ऑयल का बोतल होता है साथ में। अब इसका नंबर आता है पैकिंग का, ये जो रैपिंग है हमारी बबल्स रैपिंग है, इसको भी हम लगाने वाले हैं मशीन के ऊपर, आपकी मशीन के ऊपर हमारी पे स्क्रैच वगैरह ना है। रूला मशीन हमारा पूरा रैपिंग हो चुका है। अब इस मशीन को इस बॉक्स के अंदर रखने वाले हैं। ये बॉक्स देख सकते हैं आप, 20 mm की प्लाई में बना हुआ होता है हमारा, सॉलिड लकड़ी होती है, इसके अंदर हम इस मशीन को रखने वाले हैं। बच्चे कैसे पैक करेंगे थर्मोकोल वगैरह लगा के वो भी मैं दिखाऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप देख सकते हैं इस मशीन के साथ जो हमने पैकिंग करी है, थर्मोकोल वगैरह हमने बहुत अच्छी तरीके से लगा दी है। अब इसके अंदर हम स्क्रू लगाने वाले हैं, इसको पैक करने वाले हैं, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको हम किस तरीके से इसमें स्क्रू वगैरह लगाते हैं, पैक करते हैं। अब नंबर आता है इसका पैकिंग करने का फुल, और इनका भाई साहब का जो सात भाई है हमारे एमपी रतलाम से है, उनका एड्रेस दिखाने का। इनका एड्रेस भी नजर आ रहा है आपको और इनका मोबाइल नंबर भी नजर आ रहा है आपको। अब आप देख सकते हैं हमारी मशीन एकदम बिल्कुल कोरियर कंपनी जाने के लिए रेडी हो चुकी है। किसी भी भाई को मशीनों की जरूरत हो तो मेरे से संपर्क कर सकता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।